नमस्कार, मैं प्रिया बौद्ध। प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से है। योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जिले के पुलिस कप्तानों को सख्त निर्देश दिए थे और उन्हीं आदेशों के पालन के मद्देनजर आज पूरे प्रदेश में पुलिस टीम अपराधियों के खात्मे को लेकर ऑपरेशन क्लीन में जुट गई है और प्रदेश भर में सघन चेकिंग व अपराधियों की धरपकड़ जारी है। योगी सरकार की मंशा के अनुरूप बाराबंकी में भी नवागत युवा एसपी सतीश कुमार ने भी अपराधों की रोकथाम व अपराधियों की नकेल कसने के लिए रणनीति बनाई है और उसी क्रम में बाराबंकी पुलिस क्राइम कंट्रोल में जुट गई है। एसपी सतीश कुमार के निर्देश पर मसौली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें मसौली पुलिस एक बड़ी शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में निर्मित व अर्धनिर्मित तमंचे, बंदूकें, कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। मसौली पुलिस ने मौके से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ में जुट गई है। प्राइम न्यूज 24 के लिए बाराबंकी से महेंद्र प्रताप सिंह की खास रिपोर्ट। ये हमारा थाना मसौली के अंतर्गत थानाध्यक्ष जब गश्त कर रहे थे तो इन्हें एक मिला आदमी, उससे पूछताछ की तो पता लगा कि ये पहले भी 302 में और पहले भी ये आर्म्स फैक्ट्री बनाने के अंतर्गत ये जेल गया हुआ है। तो उसकी निशानदेही पर विक्रम यादव और राम नगीना, इन दोनों को पकड़ा गया। तो इनकी निशानदेही पर पता चला कि जंगल में ग्राम डडियामऊ है, वहाँ पर पूरी की पूरी इनकी फैक्ट्री है जहाँ पे पूरा असला बनाते हैं और ये असला सप्लाई भी करते हैं कई जगह। तो उसकी जाँच भी चल रही है। तो उसमें हमारे पास 17 अवैध तमंचे, 12 बोर के और 315 बोर के, और एक हमारे पास देसी बंदूक पूरी लंबी राइफल वाली, वो हमने पकड़े। उसके साथ हमारे पास 4 कारतूस 12 बोर के और एक मिस कारतूस है 315 का और 2 खाली खोखे 315 बोर के। उसके साथ ही पूरा फैक्ट्री का जो चादर है, पत्तियां हैं, स्प्रिंग है, लोहे की काटनी छेनी है, गुटके पाइप, सारा जो माल है पूरा का पूरा हमने बरामद किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को दबाकर हमारी ताजातरीन खबरों से अपडेट रहें।